स्वामी जी सुनाइए। सेल्फी मैंने ले ली आज, सेल्फी मैंने ले ली आज। हाँ, उसको ना अपनी गन में डालो भैया। सर पर मेरे रहता था, सेल्फी मैंने ले ली आज। सेल्फी मैं लेती जाऊं अपने फ्रेंड्स के साथ में, ऑडी में मैं घूमती हूँ। अरे क्या लवड़ा फंस गया मुंह में। शाम और रात में सेल्फी लेना ही मेरा काम, ना इंटरेस्ट किसी बात में। चल रे शायर, हो जा रे अंकल, सेल्फी लोना साथ में। एक काम कर, सजेशन देता हूँ, बहुत गांड में गूदा है ना, बोल मत बहनचोद। लेकिन मैंने आप ये कह रहे हैं कि सेल्फी वाला गाना आपने डीजे पूजा को लिखा था? बिल्कुल मैंने लिख करके दिया था। अभी तेरे को शर्म आना चाहिए, देश का माहौल क्या है बे? आज देश कम में डूबा हुआ है और तुम जैसे भड़ुए मादरचोद, तुम लोग बहनचोद, इसको अपनी मीडिया बाइट के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए तुम्हें पता है क्या दुख देते हो बे तुम। तो आप ये कह रहे जो ढिंचक पूजा के करोड़ों फॉलोअर्स हैं वो आपके चलते हैं? मैं ये तो नहीं कहता कि मेरे चलते हैं, लेकिन हाँ उसमें मेरे तांत्रिक शक्ति का और मेरे कौन है ये? छिपकली की गांड से टपका हुआ पसीना। जब आपके गाने YouTube पे आने शुरू हुए, आप धीरे धीरे पॉपुलर होने लगे, सो नेगेटिव कमेंट्स भी बहुत सारे आए, उनके लिए भी एक गाना बनाइए ना जो आपको कहते हैं कि आप क्यों गा रही हैं या कैसा गा रही हैं। उनके लिए गाना तेरी माँ का भोला पंख, तेरी बहन की चूड़ियाँ और तेरा पाप का लंदन में हतीजा। और ये एक मैं मूड हो चुकी, मेरे साथ सेल्फी ले रही है। बोली सेल्फी मैंने ले लिया तीन बार। सेल्फी मैंने ले ली आज, सेल्फी मैंने ले ली आज। अबे जा बे भोसड़ पप्पू। ये मेरे साथ में सेल्फी ले रही थी, उसने कहा गुरुजी मुझे कोई गाना दे दीजिए जो हिट हो सके। तो मैंने उसको उसी वक्त मैंने लिख करके दिया कि बेटी इसको तुम चलाओ। तो उसने कहा भी इसमें कोई म्यूजिक नहीं, मैंने कहा म्यूजिक की जरूरत ही नहीं, तंत्र शक्ति में बहुत शक्ति है। तो आप इस वीडियो को पूरा निचोड़ कर देखेंगे तो इसमें से आपको इतना चुदाव मिलेगा, इतना चुदाव आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। तंत्र से गाना दे दिया उसे, तंत्र से दे दिया और करोड़ों फॉलोअर्स बन गए। बिल्कुल बन गए। अब तो बकचोदी मार रहा है, सच सच बता क्या हुआ। और इस तरह से मैंने सिर्फ उसी को नहीं, मैंने इस तरह आपने तो सोनू निगम को भी सिखाया होगा। नहीं सोनू तो को मैंने नहीं सिखाया, लेकिन सोनू मेरे अच्छे भक्त हैं और सोनू हिंदू राष्ट्रवादी हैं। ये जो मस्जिद में जो ये क्यों बे चमड़े में लौड़ा अटक गया था तुम्हारे यहाँ होता है, उसके बारे में जो सोनू ने आवाज उठाई थी वो आवाज उठाने के लिए मैंने ही कहा था। बहन जो सारे मिल के हमको पागल बना रहे मादरचोद के बच्चे।